सर ये जो अब हुआ है, जो डील हुई है, क्या ये भी ग्रेटर इसराइल का ही एक हिस्सा है? मेरे ख्याल में ये अगर ग्रेटर इसराइल के कॉन्सेप्ट में तो यूएई ना आ जाएं तो मुझे पता नहीं ये क्या समझ रहे हैं और क्या सोच रहे हैं, ये क्या कॉन्सेप्ट है इनकी। देखिए सीधी सादी बात ये है कि इन्होंने ये किया क्यों, जो इन्होंने किया इस पर वाजे है क्यों किया, इट्स वेरी ऑब्वियस व्हाई दे डिड इट, है ना। अपना तेल बेचना चाहते हैं सऊदी और यूएई, अपना तेल बेचना चाहते हैं। अब वो तेल किसको बेचेंगे? अब वो तेल बेचेंगे बड़े मुल्कों को, चीन को तो नहीं बेचेंगे, चीन तो ईरान से ले रहा है, अमेरिका खुद कफील है। यूरोप को बेचेंगे, जापान को बेचेंगे और हिंदुस्तान को बेचेंगे, ये है इनका पूरा खेल। इसलिए कि आजकल जैसे आपको पता है थर्मल, विंड, इलेक्ट्रिक, वेव, वेव एक्शन, सोलार, इससे 15-20 साल में तो कोई गाड़ी पेट्रोल वाली नजर ही नहीं आएगी इन वेस्टर्न यूरोप, सब इलेक्ट्रिसिटी पे चल रहा होगा। तो इन लोगों को सोचना है कि किधर हैं इनके मार्केट्स, वेयर आर दे बिग कंज्यूमर्स, किसके साथ वो चलेंगे। मेरे ख्याल में ये सब तैयारी हो रही है इन द लॉन्ग रन, इसराइल और अमेरिका, इसराइल माने अमेरिका, इसराइल इज अ पार्ट ऑफ अमेरिका, है ना। अब ये नहीं पता है वेदर द डॉग वैग्स द टेल और द टेल वैग्स द डॉग। हाँ, तो आपको लगता है सर मोर मुस्लिम कंट्रीज विल फॉलो सऊदी अरब फुटस्टेप्स फॉलो करेगा यूएई के, और भी ममालिक जो है वो ऐसे एग्रीमेंट्स करेंगे इसराइल के साथ? देखिए वो मुल्क हैं, मसलन इजिप्ट है और जीसीसी कंट्रीज हैं, शायद तुर्की, इंडोनेशिया भी कर लें, क्या पता, मुझे नहीं पता। मगर एक चीज़ तो ज़रूर है, जो भी ये कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि उसूलों को इन्होंने रद्द कर दिया है, प्रिंसिपल चले गया है, इंटरनेशनल लॉ को रद्द कर दिया है और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस को भी मेरे ख्याल में ये खैर ये इन्होंने इसकी खिलाफ वर्जी नहीं होती है, मगर आइडिया वाज कि टू स्टेट सोल्यूशन हो, अगर दो स्टेट सोल्यूशन नहीं हो रहा है। इसराइल चाहता है रिकग्निशन, चाहता है रिकग्निशन बट देने के लिए तैयार नहीं है। तो मेरे ख्याल में कि ये सब मुल्कों को ये सोचना पड़ेगा कि भाई ये क्या हो रहा है, इंटरनेशनल लॉ क्या कह रहा है, यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन का आपका परवाह ही नहीं है। अगर ये ऐसे ही चलना चाहते हैं तो आप पीस एग्रीमेंट कहा जा रहा है इसको, सर पीस एग्रीमेंट कहा जा रहा है, ये क्या दोनों कंट्रीज एट वॉर थे क्या, इनको कोई इनका मसला चल रहा था कि इनको पीस एग्रीमेंट करना पड़ा? मतलब एज फार एज आई रिकॉल कोई स्क्रिमिश नहीं है यूएई और इसराइल के माबैन, और आगे भी जो मुहिदे होंगे उनको अमन मुहिदा कहा जा रहा है, क्या वाकई खित्ते में अमन आ जाएगा इन मुहिदों से? हाँ, वो अमन जो कब्रिस्तान में अमन आता है वो आ जाएगा जरूर, इसलिए कि अगर आप समझते हैं कि लोगों के हर किस्म का हक को सबवर्ट करके आप अमन ला सकते हैं तो आप कह सकते हैं इन अ सेंस इस अमन, मगर ऐसा कभी नहीं हो सकता है। और मेरे ख्याल में इस्लामिक वर्ल्ड तो अब ख़त्म हो गया है ना, OIC टूट गया है, सब ये 5-6 मुल्क तो अलग हो गए हैं। OIC जो इस्लामिक कॉन्सेप्ट्स को प्रमोट करता था, प्रोजेक्ट करता था, सेफ गार्ड करता था, ये ख़त्म हो गया है। अब ये तो क्या रह गया है अभी? मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा स्टेप है, मैं हैरान हो गया हूँ कि ऐसा स्टेप इन्होंने लिया, और इन रिटर्न आपको क्या मिला? आपको वो तो कह रहे हैं कि फॉर द मोमेंट हम एनेक्सेशन ऑफ वेस्ट बैंक को रोक लिया है, फॉर द मोमेंट, इस वक्त के लिए। मैं जानना चाहता हूँ इनको क्या मिला, क्या है इनको भाई, किस किस्म की अमन मिली है इनको? बिल्कुल ठीक। तो हिलाली साहब, इनको तो चलो आपने जैसे कहा कि इनको तेल मिल जाएगा, इनका तेल बिक जाएगा बदले में, इसराइल को सर क्या मिलने की तवक्को है जब वो ऐसे मुहादे कर लेगा? आपको लगता है कि इसराइल को अपने प्लान्स को एक्सपेंड करने में मदद मिलेगी इस तरह से? भाई वो 7 मिलियन जूज हैं उधर मिडल ईस्ट में, और वो चाहते हैं, और मिडल ईस्ट को वो कंट्रोल करते हैं, तो उनको क्या मिलेगा? उनके एक्सपोर्ट्स जाएंगे इन लोगों को, उनकी सिक्योरिटी जो है इन मुल्कों से
जिनसे ये रिकग्निशन लेके पीस अग्रीमेंट्स क्या जो भी अग्रीमेंट साइन करेंगे उनको ये कहेंगे कि उनके सेफ गार्ड दे सिक्योरिटी, उनको फिर बेचेंगे चीज़ें अपना पैसे, उनसे पैसे लेके पैसे अपना बनाएंगे, यू नो आई मीन क्या होगा भाई. द डोमिनेशन ऑफ अमेरिका एंड इन द मिडल ईस्ट, द डोमिनेशन ऑफ इसराइल इन द मिडल ईस्ट, ये GCC कंट्रीज तो अभी इनके साथ हो गए हैं, पता नहीं कतर का क्या फ्यूचर है. मगर मेरे ख्याल में हम लोगों के लिए क्या है, आप दूसरे मुल्कों के लिए बात कर रहे हैं, आप हमारे पाकिस्तान के लिए तो बात करें ना. पहले तो ये हमें बताएं कि हमारे पे क्या इसका इम्पैक्ट होगा, क्या हम एक्सेप्ट कर लें. अगर हम इसको एक्सेप्ट कर लें तो क्या तो हमारा फिर कश्मीर का क्या क्लेम रहेगा, आप बताएं. आप समझते हैं कि जो अगर अरब मुल्कों को पैलेस्टीनियन और पैलेस्टीनियन राइट्स के लिए उनका ये नहीं हो, आई मीन वो विक्ट्री उनको ये ना मिले, पैलेस्टीनियन राइट्स को वो सपोर्ट ना करें, वो कश्मीर के राइट्स सपोर्ट करेंगे. मैं तो हैरान ये हो गया हूँ कि हो क्या रहा है भाई. ये आप अपना तेल बेचने के लिए, भाई किसको आप तेल बेचेंगे, आप तेल अमेरिका तो खुद कफील है, आप यूरोप और जापान को बेचेंगे, चाइना का तो ईरान सप्लाई करेगा मोस्टली, आपसे भी वो तेल ले सकता था. What have they gained? मैं जानना चाहता हूँ इनको मिला क्या है. बिल्कुल ठीक है जफर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त.